मेरे YouTube चैनल पे सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो चैनल पे नए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को जरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वैकेंसी की सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपकी उत्तर प्रदेश में एक अच्छी वैकेंसी आई हुई है, नर्सरी टीचर या ECC एजुकेटर जिसे कहते हैं, इसकी वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में हमने वीडियो बना दिया है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी? 10,684 पदों पर वैकेंसी है, जिलेवार इसमें पद आपके आए हुए हैं। और ये 24 तारीख का आपका ये देखिए नोटिफिकेशन है, 24 तारीख का आप लोग नोटिफिकेशन इसमें देख रहे हैं, 24 अगस्त का, आज 25 अगस्त है। तो इसके बारे में एक वीडियो हम बना चुके हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पदों की संख्या, और उसके बाद फिर इसमें ये सभी चीजें आप सभी को हम बता चुके हैं। और ये जो है आपकी इसमें सैलरी कितनी है, सभी कुछ हम इसको बता चुके, कितने समय की ये जॉब है। तो इसका जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके वहां पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसमें कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसका। तो इसका फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है ये देखिए, इसमें नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है आपका। तो इसके फॉर्म के अप्लाई करने के बारे में हम आपको आइए बताते हैं। जब हम इस पेज नंबर पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उक्ति समय 7वां देश संख्या 8/2028, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं। तो ये सभी 7वां आदेश ये यूपी सरकार का है अपने अपने अलग अलग समय पे। उसके बाद लिखा हुआ दिनांक 29 मार्च 2023 में निहित प्रावधानों एवं दिए गए निर्देशों के अनुरूप जेम पोर्टल से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा। देखिए जेम पोर्टल से जो कार्यदायी संस्था होगी सेवा प्रदाता एजेंसी का आपका चयन किया जाएगा। इस संबंध में एक मॉडल बिट का नमूना शीघ्र ही पृथक से प्रेषित किया जाएगा। अभी प्रेषित नहीं किया गया, उसको प्रेषित किया जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के पश्चात एजेंसी द्वारा संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ECC एजुकेटर कर्मियों का शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप चयन किया जाएगा। उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयनित कर्मी केवल कार्य की आवश्यकता अनुसार अधिकतम 11 माह तक के लिए रखे जाएंगे। तो ये आप जान ही रहे हैं इसका कि पिछले वीडियो हमने बता चुके हैं कि ये संविदा की भर्ती आउटसोर्सिंग की भर्ती है, लेकिन 11 महीने काम करने का आपको मौका मिल रहा है और अच्छी खासी सैलरी, 10,000 से ऊपर सैलरी, आपकी PF भी कटेगी और उसके बाद ESI कार्ड भी आपको बनेगा इसमें। तो इस प्रकार से ये आपका जेम पोर्टल के माध्यम से एजेंसी का चयन किया जाएगा, जो आपका चयन करेगी। उसके बाद फिर इसमें आगे देखते हैं, फिर उसमें लास्ट पेज में लिखा हुआ तत्क्रम में निर्देश किया जाता है कि शासनादेश संख्या ये 26 जुलाई 2024 में दी गई व्यवस्था के अनुसार 10,684 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों समिति द्वारा निर्धारित हेतु मानव संसाधन ECC एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तो दो देखिए आपका जो लास्ट डेट है 30 सितंबर तक आपकी पूरी कार्रवाई पूरी हो जाएगी नियुक्ति तक की। इसमें 30 सितंबर लास्ट डेट दी हुई है और जल मतलब इसका जेम पोर्टल पे आपका वहां पे कार्यदाता एजेंसी का आएगा, उसके बाद चयन होगा, उसके बाद फिर उसको जो है इसके बारे में बताया जाएगा, इस वैकेंसी के बारे में, और उसको कहा जाएगा कि आप जो है एप्लीकेशन निकालिए। तो अभी इसमें ये नोटिफिकेशन कल की है, तो अब ये प्रक्रिया चल रही होगी। जैसे ही इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस आता है, लिंक एक्टिव होता है जहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, उस कंपनी के द्वारा जो कंपनी आएगी जेम पोर्टल के माध्यम सरकार चुनेगी। तो 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट इसमें दी हुई है, 30 सितंबर तक आप सभी का ये प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है। तो इस प्रकार से ये पूरा है सिस्टम। तो इसमें क्या फीस होगी और उसके बाद फॉर्म कैसे अप्लाई होगा और लिंक क्या होगा इसके बारे में इसमें जैसे ही पता चलता है, जैसे ही जेम पोर्टल से कार्यदाता एजेंसी का चयन हो जाता है, उसके बाद ये सब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही पता चलता है सभी आप सभी को बताया जाएगा। आप सभी लोग निरंतर चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।